इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने 30,000 रुपए के इनामी भूमाफिया हैप्पी उर्फ जितेंद्र धवन को गिरफ्तार किया है। जितेंद्र धवन अपने भाई राजीव धवन के साथ उसके घर पर छुपकर फरारी काट रहा था। देखें इस खास रिपोर्ट में। लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे शहर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, वैसे वैसे इंदौर पुलिस महकमा भी अपराध को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने 30,000 रुपए के इनामी भू माफिया हैप्पी उर्फ जितेंद्र धवन को क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। ज़मीनों के हेरा फेरी और हवाला कारोबार के सिलसिले में पिछले 4 सालों से पुलिस द्वारा धवन की तलाश की जा रही थी। हैप्पी के भाई को भी बंदी बनाया गया और पुलिस के द्वारा, क्राइम ब्रांच के द्वारा थाने के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 महीने से फरार 30,000 रुपये के इनामी जितेंद्र उर्फ हैप्पी धवन को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जिसके विरुद्ध 4 मामले बाणगंगा थाने में पंजीबद्ध हैं, जिन्होंने कालिंदी गोल्ड सिटी नामक एक कॉलोनी बनाई थी और उसमें काफ़ी सारे लोगों को ठगा था। लोगों को से पैसे लिए गए थे, पैसे पूरे मिलने के बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट उनको दिया गया था और उसके उपरांत भी उनको उनका प्लॉट नहीं दिया गया था, जिस कारण जो माफिया के विरुद्ध जो अभियान जब चला था तो उसमें 4 केस पंजीबद्ध हुए थे, परंतु हैप्पी धवन फरार होने से गिरफ्तार नहीं हो पाया था। IG विवेक शर्मा ने बताया कि 3,000 रुपए के इनामी भू माफिया हैप्पी उर्फ जितेंद्र धवन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ बाणगंगा थाने में कालिंदी गोल्ड सिटी कॉलोनी के संबंध में 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले 4 सालों से आरोपी फरार था। आरोपी हैप्पी ने कालिंदी गोल्ड सिटी कॉलोनी के प्लॉट कई लोगों को बेचे थे। लोगों से प्लॉट का पैसा लेने के बाद आरोपी ने उन्हें स्वामित्व नहीं सौंपा था और बाद में आरोपी पैसा लेकर फरार हो गया। आज सुबह पुलिस को यह सफलता प्राप्त हुई है और वो उसको शरण देने में उसका भाई जो लकी धवन है वो भी शामिल था और उसके विरुद्ध भी ऐसे फरार अपराधी को शरण देने के सेक्शंस में 212-16 की इसमें कार्रवाई उसके विरुद्ध भी की गई है और आगे भी पुलिस इस मुहिम को जारी रखेगी। अब लॉकडाउन खुल गया है तो अब पुलिस इन ऐसे फरार अपराधियों के विरुद्ध सक्रिय रहेगी और जो उनको शरण देगा उसके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन के दौरान उसके इंदौर में मनीषपुरी स्थित घर पर रहने की सूचना मिलने के बाद योजना बनाकर हैप्पी को गिरफ्तार किया गया। फरार इनामी आरोपी को संरक्षण देने का आरोप में उसके छोटे भाई लकी उर्फ राजीव धवन को भी पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने भोपाल, दिल्ली, मुंबई, शिरडी और नासिक से फरारी काटी थी। पुलिस की टीम ने जब आरोपी के भाई को घर दबिश दी तो वह अलमारी में छिपा हुआ मिला। देखिए, मैंने आपको बताया मामले अभी जो है आपको विदित है कि पिछले 3 महीने से करीब हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए थे, हमारी प्रायोरिटीज़ दूसरी थी। अब पुराने मामलों की इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उसमें जो भी हमारे को जो तथ्य, जो हमारे को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए वो भी कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सहकारी से भी जुड़े हुए थे और सहकारी ऑफिस भी बंद थे तो हम वो डॉक्यूमेंट्स नहीं ले पाए थे। तो एक बार जब विवेचना इस नतीजे पे पहुंचेगी कि फला व्यक्ति के खिलाफ अपराध सिद्ध हो गया है, तब हम उसकी गिरफ्तारी भी करेंगे और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम कई अपराधी जो अभी तक फरार थे उनको हम सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। बता दें कि कमलनाथ सरकार के दौरान माफिया अभियान के तहत हैप्पी पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस को अब सफलता मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।